सिर्फ एक चम्मच यूज करने से हमारे जो है प्लांट पे फ्लावरिंग इतनी भर भर के होगी और हमारे प्लांट पे इतने फायदे होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने फायदे हमारे प्लांट पर मिलते हैं। तो ये एक चम्मच भर के हमें अपने प्लांट में डाल देनी है और इसके जो है आप फायदे देखेंगे तो आप जान के हैरान भी हो जाएंगे। तो चलिए कौन कौन से इसके फायदे हैं वो हम देख लेते हैं। नमस्ते, राम राम सभी को, कैसे हैं, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम सभी को, कैसे हैं, क्या हाल है? वेलकम टू कुछ गुड लाइफ। जो ये है देखिए, मेरा मोगरा का प्लांट है, ये देखिए। राम राम सभी को, कैसे हैं, क्या हाल है? वेलकम टू कुछ गुड लाइफ। बोगनविला पे इतनी भर भर के जो है फ्लावरिंग हो रही है, तो इसका क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगी। आपको सिर्फ एक चम्मच जो है इस का यूज करना है, एक चम्मच इस पाउडर का यूज करना है। ये पाउडर डालते ही हमारे प्लांट पे ढेर सारे जो है फ्लावरिंग तो होगी ही, और जो है हमारे प्लांट में बहुत सारे जो है फायदे मिलेंगे। क्या क्या फायदे मिलेंगे वो आपको मैं बताऊंगी। तो देखिए, बोगनविला पे भर भर के फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं इसपे किस चीज का यूज करती हूँ जो कि इतने सारे फ्लावरिंग जो है मेरे प्लांट पे हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर मेरे एक जो है बोगनविला का प्लांट है, इसको मैंने कटिंग से लगाया था। ये मैंने नहीं लगाया था, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, कटिंग से लिया था मैंने इसको। जो है आज हम इस पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें तो मैं यूज करती रहती हूँ। तो ये देखिए, इस पे तो मेरे इतने सारे जो है फ्लावरिंग हो रही है। हमें इसमें अपने प्लांट में क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इससे जो है एक चम्मच यूज करना है, सिर्फ एक चम्मच में इतने जो है हमारे फायदे हो जाएंगे इसमें, देखिए ना। फिर आप जो है हमेशा ही इसी चीज का यूज करेंगे। तो मैं किस चीज का यूज करने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, पहले हम अपने प्लांट की जो है गुड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें गुड़ाई करके ही इससे जो है एक चम्मच का यूज करना है, और वो एक चम्मच है क्या वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, मेरे पास तो काफी है ये, लेकिन मुझे जो है एक चम्मच यूज करनी है। और ये है कॉफी पाउडर, ये जो कॉफी होती है, कॉफी उसका जो है ये बुरादा है, ये पाउडर भी नहीं है, बुरादा है ये। तो इसका मैं यूज करूंगी, और हमें यूज करना कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, इसके डालने से हमारे जो है प्लांट पर ढेर भर की फ्लावरिंग होती है। आपके जो फ्लावरिंग प्लांट है आप उन पे यूज कर सकते हैं, गुड़हल है, मोगरा है, गुलाब है, वगैरह वगैरह, जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट है उसमें आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है तो वो देख लेते हैं। तो देखिए, कॉफी पाउडर को जो है हम डालते हैं, तो हमारा जो है मिट्टी का जो है एसिड बनाती है कॉफी पाउडर, बहुत ही अच्छी मिट्टी हमारी तैयार कर देती है। और मेरा जो है अभी गमला थोड़ा बड़ा है, तो मैं दो दूंगी। और देना कैसे है ये देख लीजिए, आपको देना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैंने दो मुट्ठी जो है इसमें डाल दी है, इस तरह से हमने जो है इसको डाल देना है। और जो है हम डालते हैं, तो हमारे जो है मिट्टी का पीएच लेवल या मिट्टी का जो है एसिड, तो हमें हमारी मिट्टी को एसिड तो बनाती है, साथ में हमारे जो प्लांट्स में कीड़े लगे होते हैं, मिली बग्स लगे होते हैं, और जो छोटे छोटे स्नेल्स वगैरह भी हो जाते हैं, तो वो सब जो है दूर भगा देती है ये कॉफी पाउडर। इसमें इतना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे पौधे के लिए काफी अच्छा जो है बेनिफिट होता है। और आपको यूज करना है, ऐसे यूज करना है कि हमारी जो है प्लांट का जो तना है, तने से हमें जो है दूर डालनी है। जैसे मैंने अभी आपको डाल के दिखाई है, ये तना हो गया, और तने से हमें साइड साइड में इस तरह से हमें जो है डालना है, ठीक है, मिट्टी में इस तरह से डाल देना है। और जो है हमें फिर इसको जो है हम पानी दे देंगे, तो इस तरह से हमें डालना है। कॉफी पाउडर बहुत अच्छा होता है, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप इस कॉफी पाउडर का यूज करके इस तरह से आप डाल सकते हैं। आप इसमें एक मुट्ठी भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा जो है पोट बड़ा था, तो एक मुट्ठी भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें 3 चम्मच डाल दी है, वो काफी है इसके लिए। आप जो है कॉफी पाउडर आता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास जो है ये बुरादा है, ये देखिए, कॉफी पीसने के बाद जो बुरादा बच जाता है,
कॉफी बीज होते हैं ना उसका जो बुरादा बच जाता है ये वो है, वो मैंने लिया है तो इसका मैंने यूज किया है। 3 चम्मच मैंने इसको डाल दी है, गुड़ाई भी कर दी है। अब हम इसको जो है पानी दे देंगे और ये हमें कैसे कैसे यूज करना है वो मैं बता देती हूँ। देखिए यूज करना है हमें इसको जो है कम से कम 15 दिन या 1 महीने में यूज करना है। आप ज्यादा नहीं तो 15 दिन में आप इसको यूज कर सकते हैं। 15 दिन में आप इसको यूज करिए और देखिए मिट्टी जो है हमारी सूखी होनी चाहिए। अभी इसकी थोड़ी थोड़ी गीली है इस प्लांट की मिट्टी, तो हम जो है थोड़ा सा ही इसमें डालेंगे। और ये पोट भी बहुत छोटा है तो आपको मैं बता देती हूँ। देखिए मैंने ली है 1 चम्मच। आप पौधे में इस 15 दिन में इसको यूज कर सकते हैं, आप या तो पाउडर भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो लिक्विड है कॉफी पाउडर का लिक्विड, आप लिक्विड भी बना के इसमें डाल सकते हैं। मैं अभी जो है मिट्टी गीली है इसकी तो मैं ये नहीं दे रही हूँ, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ही इसमें जो है यूज कर रही हूँ। साइड साइड में हमें इस तरह से यूज करना है, साइड साइड में हमें डालना है और फिर जो है हमें कवर कर देना है, पानी दे देना है बाद में। अब मैं पानी अभी नहीं दे रही हूँ क्योंकि मिट्टी मेरे प्लांट की जो है गीली पड़ी है अभी, तो हमें इस तरह से यूज करना है। और आप इसको जो है 15 दिन में यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे प्लांट पे इस तरह से फ्लावरिंग भर भर के हो तो आप कॉफी पाउडर का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है आपके प्लांट पे। और इसका आप जो है लिक्विड बना के भी दे सकते हैं, लेकिन सावधानी आपको ये रखनी है जब भी आप कॉफी पाउडर का यूज करेंगे तो हमें जो है बिल्कुल स्टेम के पास नहीं डालना है। जैसे ये स्टेम है, स्टेम के पास नहीं डालना है आपको, पोट के किनारे किनारे यहाँ यहाँ पर आपको जो है यूज करनी है। नहीं तो कई बार ऐसे होता है प्लांट के तने में हम डाल देते हैं और हमारा प्लांट जो है खराब हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ जो है पोट के किनारे किनारे डालनी है और इसी तरह से हमें यूज करना है। ये बहुत ही अच्छा जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है और ऑर्गेनिक खाद भी है। आप महंगे महंगे जो है खाद यूज करते हैं तो आपको, आप उसको यूज ना करें, आप कॉफी पाउडर का यूज कर सकते हैं जो कि मार्केट में भी 2 रुपए की मिल जाती है, आप उसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है कॉफी का बुरादा है उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। कॉफी का बुरादा ही मैंने जो है यूज किया है, ये कॉफी का बुरादा है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा दरदरा है, इस तरह से कॉफी का बुरादा होता है। आप इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा फायदा करता है हमारे प्लांट में, फायदा करता है, कोई नुकसान नहीं करता है। लेकिन आपको ज्यादा क्वांटिटी में हमें नहीं देना है ये कॉफी का बुरादा, हमें जो है कम देना है। कम से कम आप पोट का साइज देख लीजिए, मैंने इसमें 3 चम्मच डाली और ये बुरादा है। अगर आप पाउडर डाल रहे हैं तो एक ही पैकेज इसमें डालिए, 2 रुपए का आता है वो, आप इसमें एक ही पैकेट डालिए, ज्यादा मत डालिए, ज्यादा भी जो है नुकसान कर देता। पहले आप डाल के देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा डालिए, जब आपको लगे कि फायदा हो रहा है तो आप उसको दोबारा भी यूज कर लीजिए। दोबारा कब यूज करना है, 15 दिन में आपको यूज करना है, बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कैसी लगी है आपको मेरी वीडियो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।